हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है मनदीप सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट टू। पार्ट वन हमने पहले ही डाल दिया है। पार्ट वन में हमने डिस्कस किए थे वन वर्ड रिलेटेड टू पर्संस एंड देयर क्वालिटीज। पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड रिलेटेड टू जनरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं पहले वर्ड पे। हमारा पहला वर्ड है एबडिकेशन। एबडिकेशन का मतलब होता है वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। यानी कि अगर कोई आदमी किसी सिंहासन पे आसीन है और वो उसको अपनी विल से किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है इन फेवर ऑफ समवन, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एबडिकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे एक दूसरे वर्ड से यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा वर्ड एक हमारा होता है एबडक्ट, थोड़ा सिमिलर साउंड होता है, लेकिन एबडक्ट इससे बिल्कुल अलग वर्ड है। एबडक्ट का मतलब होता है किसी को किडनैप करना। ठीक है, और इस वर्ड से अगर एक दो वर्ड और हम रिलेट कर सकते हैं। एक वर्ड होता है रेनिगेड, एक वर्ड होता है एपोस्टेट। देखिए, रेनिगेड और एपोस्टेट, RENEGADE। ठीक है, रेनिगेड और एपोस्टेट का मतलब भी एक तरीके से त्याग करना होता है, किसी चीज को त्यागना। लेकिन रेनिगेड और एपोस्टेट में हमारे ये जो हमारा एबडिकेशन वर्ड बना है वो स्पेशली किसी सिंहासन के लिए बना है, जब कोई राजा अपनी गद्दी छोड़ देता है किसी और के लिए। लेकिन रेनिगेड और एपोस्टेट का जो यूज हम करते हैं वो अगर कोई व्यक्ति अपना फेथ, जिस चीज में वो बिलीव करता हो, रिलीजन आदि, अगर ये त्याग दे तो उस चीज के लिए हम वर्ड का यूज करेंगे रेनिगेड और एपोस्टेट। अगला वर्ड आता है हमारे पास विनियल। विनियल होता है इस स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, एक बहुत ही छोटी गलती, एक ऐसी गलती जिसको माफ किया जा सके, एक ऐसी गलती को हम क्या बोलेंगे? विनियल। अगला शब्द हमारे पास आता है कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। आपने कुछ देशों का नाम सुना होगा, जैसे कि इसराइल, उरुग्वे, जहां पे मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी को हिंदी में कहते हैं ईश निंदा, यानी कि अगर किसी धर्म के बारे में कुछ, धर्म के विरुद्ध कुछ बोला जाए तो उस चीज को हम ब्लास्फेमी कहेंगे, और ईश निंदा की जाए तो उस चीज का जो हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है वो है हमारे लिए ब्लैसफेमी। देखिए, एक वर्ड और ऐसे रिलेटेड, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब भी किसी चीज की पवित्रता को भंग करना ही होता है। ब्लैसफेमी का मतलब किसी चीज के बारे में, किसी धर्म रिलेटेड, मेनली कोई ऐसी चीज जो किसी भगवान या किसी धर्म के रिलेटेड हो, उसके बारे में गलत बोलना, इल बोलना, उसको हम ब्लैसफेमी बोलते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है एक्सटेम्पोर, ए स्पीच दैट मेड विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, एक ऐसी, मान लीजिए आपको कहीं पे स्पीच देने जाना है लेकिन आपने उसके लिए पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो आपने जैसा भी आपसे बना आपने ऐसा बोल दिया, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर के लिए हमारे पास एक सिनोनिम और है, इम्प्रोम्प्टू, IMPROMPTU। इम्प्रोम्प्टू भी एक्सटेम्पोर को ही कहते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है फैटल। फैटल यानी कि जानलेवा। आपने सब सुना होगा फैटल एक्सीडेंट, फैटल डिसीज, यानी कि एक ऐसी चीज जो जिसके कारण जान जा सकती है। ठीक है, फैटल डिसीज यानी कि जानलेवा बीमारी, जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, और अगर कोई भीषण एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो उसको फैटल एक्सीडेंट बोल देते हैं। तो जिस चीज में जान जाने का खतरा हो उस चीज को हम क्या कह सकते हैं? फैटल। यहाँ पे एक शब्द और आता है हमारा फेट। फेट का जो अर्थ होता है वो दूसरा होता है। फेट का मतलब होता है भाग्य। ठीक है स्टूडेंट्स, भाग्य, और जो व्यक्ति फेट में यानी भाग्य में विश्वास करता हो उसके लिए हमारे पास वर्ड है फैटलिस्ट। इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब, देखिए पहले हम लेजिबल का मतलब देख लेते हैं। लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है जिस चीज को पढ़ा जा सके, पढ़ने योग्य, और इलेजिबल इसका उल्टा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। कई बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि उनको पढ़ा नहीं जा सकता, समझने और पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, तो ऐसी राइटिंग को हम क्या कहेंगे? इलेजिबल राइटिंग।
फ्लोरा, अगला शब्द हमारे पास आता है फ्लोरा। देखिए आपने इकोसिस्टम में दो दो शब्द सुने होंगे, फ्लोरा एंड फौना। देखिए फ्लोरा में हमारे आ जाते हैं सभी फूल पौधे वगैरह। एक जंगल, जंगल के दो ही पार्ट होते हैं, वहां के एनिमल और वहां के फूल पौधे। फ्लोरा में आ जाते हैं वहां के फूल पौधे, ठीक है, जो भी अपने पेड़ वगैरह, और फाउना में आ जाते हैं वहां के जो लिविंग क्रिएचर्स है, एनिमल्स जो भी वहां पे लिविंग क्रिएचर्स होंगे। तो फ्लोरा का मतलब द फ्लावर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, और फाउना अगर आ जाए स्पीसीज या एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। अगला शब्द हमारे पास आता है क्रूसेड। क्रूसेड ये शब्द पिछले कुछ 10 सालों में काफी यूज हुआ है, रिलीजियस वॉर। देखिए ISIS का आपने नाम सुना होगा, वो जो एक तरीके से जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो बोलते हैं कि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें। वो तो सभी को पता है कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे एक रिलीजियस वॉर के लिए हम एक शब्द का यूज कर सकते हैं, क्रूसेड। एक्सियोम, एक्सियोम बोलते हैं ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रूथ विदाउट प्रूफ। एक मान लीजिए कोई साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, उन्होंने कोई थ्योरी दी, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने रिजल्ट तो उनका निकाल लिया, लेकिन उस रिजल्ट को भी प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो लेकिन वो बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कह देते हैं, एक्सियोम। एक्सियोम यानी कि ऐसी बातें जिनकी जिनका हमारे पास प्रूफ नहीं है लेकिन वे सत्य हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन वो एनिमल्स जो लैंड और सी दोनों पर रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग, मेंढक। मेंढक पानी में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है। तो ऐसे जो एनिमल्स होंगे उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। इनसाइक्लोपीडिया, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इनसाइक्लोपीडिया, जैसे कि आपने ब्रिटेनिका बुक पढ़ी होगी, एक सुना होगा, ऐसी कुछ बुक्स होती है जिनके जिन बुक्स में लगभग सारे के सारे फैक्ट्स लिखे रहते हैं, एनिमल्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, यानी कि एक तरीके से कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड कराती है। तो एक ऐसी किताब को जिसके जिसके अंदर लगभग हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हो, हर एक सब्जेक्ट के बारे में वो हमें कुछ नॉलेज देती हो, ऐसी बुक को हम क्या कहेंगे, इनसाइक्लोपीडिया। इसके आप स्पेलिंग थोड़ा याद रख लिए, क्योंकि कई बार इसको मिस स्पेलिंग में भी पूछ लिया जाता है वेरियस एग्जामिनेशंस में। अगला शब्द हमारे पास आता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कि डेट कैन बी इजिली ब्रोकन, जैसे कि हमारा कांच होता है, ग्लास, शीशा, आप उसको गिरा दे तो बहुत ही इजिली वो टूट जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे, फ्रेजाइल, या ब्रिटल भी हम ऐसी चीजों को बोल देते हैं। तो ये इसका एक सिनोनियम हो गया, ब्रिटल। इन एक्सेसिबल, एक्सेस का मतलब क्या होता है, प्रवेश, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पे प्रवेश ना किया जा सके, तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, इनएक्सेसिबल प्लेस, ए पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच और एंटर्ड। इन ऑडियबल, ऑडियबल देखो ऑडियो से क्या, ऑडियो यानी कि आवाज, रेडियो मतलब एक तरह से दृश्य, दृश्य। तो ऑडियबल, ऑडियबल का मतलब जिसको सुना जा सके, इन ऑडियबल जिसको सुना ना जा सके, काफी सिंपल वर्ड था। अगला शब्द आता है हमारे पास लूनर। देखिए सोलर और लूनर, सोलर सूर्य संबंधित, लूनर चांद संबंधित, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी मून रिलेटेड कोई भी बात हो तो हम उसको लूनर कह सकते हैं। पेरोल, पेरोल ये भी काफी वर्ड न्यूज में चलता रहता है, जब संजय दत्त जेल में थे तो काफी बार न्यूज में आता ही रहता था कि अभी पेरोल पे बाहर आ गए हैं, कोई सेलिब्रिटी अंदर जाता है। ये बात अलग है कि भाई बड़े लोगों को ही पेरोल मिलती है, छोटे लोगों को तो शायद मुश्किल ही कानून पेरोल देता है। तो प्लेज गिवन बाय ए प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू एस्केप। एक तरीके से कोई कैदी बहुत टाइम से प्रिजन में बंद हो तो उसको कोर्ट थोड़ी छूट दे देता है कि वो कुछ दिन के लिए वो बाहर जा सकता है, अपने परिवार से मिल सकता है, लेकिन फिर वापस उसको जेल में ही आना होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरोल। पैंथिज्म, पैंथिज्म द बिलीफ डेट गॉड प्रिवेड्स नेचर। देखिए थिज्म मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट वन में, थीस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता हो, अथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना करता हो। तो थीज़म जो वर्ड आता है ये बिलीफ इन गॉड से रिलेटेड है, यानी कि जो भगवान में विश्वास हो किसी चीज, भगवान से रिलेटेड हम जो एक तरह से रूट वर्ड है वो हमारा थीज़म है। तो पैनथिज्म, पैन किस वर्ड से पहले अगर लग जाए तो इसका मतलब होता है कि सर्व, सर्वव्यापी यानी हर जगह, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि पैन एशिया,
कोई आदमी कहे कि मेरा बिजनेस पैन एशिया है, यानी कि उसका जो बिजनेस है पूरे एशिया में फैला हुआ है, पैन यूनिवर्स यानी पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, ठीक है। तो पैंथिज्म जो एक ऐसी बिलीफ कि हर जगह भगवान है, पैन यानी कि सब जगह, यानी हर जगह भगवान है, ठीक है। द बिलीफ डेट गॉड प्रिवेड्स नेचर एंड एवरीवेयर पोर्टेबल, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड इससे रिलेटेड एक होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी चीज जिसको ले जाने में काफी आसानी हो, ठीक है, जिसको कैरी करना इजी हो। जैसे कि आप कह सकते हैं मोबाइल, टैबलेट, मैकबुक आती है एप्पल की, उनको बड़ी इजीली हम कैरी कर सकते थे। पहले डेस्कटॉप होता था, एक कंप्यूटर का हम सेटअप केवल घर पे रख सकते थे, फिर लैपटॉप आए, लैपटॉप जिसको हम काफी पोर्टेबल यानी एक कंप्यूटर को जिसको हम साथ में लेके चल सकते हैं, तो वे एक तरीके से पोर्टेबल कंप्यूटर हो गए हमारे लिए। तो ये सब तो पोर्टेबल था, लेकिन हमारे यहाँ पे जो शब्द है वो है पोर्टेबल। पोर्टेबल एक ऐसे किसी पदार्थ को बोलते हैं जिसको पिया जा सके, जैसे पोर्टेबल वाटर, हर जगह का पानी पीने योग्य नहीं होता, जैसे समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते तो वो पोर्टेबल नहीं होता। तो पोर्टेबल जिस चीज को पिया जा सके, और एडिबल एडिबल जिस चीज को खाया जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला शब्द हमारे पास आता है क्वाड्रेप्ट। क्वाड्रेप्ट यानी देखो आपने सब सुना होगा क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हो। ये जो क्वाड वर्ड जिस शब्द से पहला आ जाता है, यानी कि उसका शब्द उसका हमेशा मतलब चार से होता है। तो क्वाड्रेप्ट एक ऐसे एनिमल को कहेंगे जिसके चार पैर हो, जैसे कि डॉग, बुफेलो, काउ, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या हैं, हमारे दो पैर हैं, हम हैं बाइप्ट। बाइ का मतलब दो, ठीक है, बाइप्ट। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया होती है यानी हमारी पुरानी यादें। इसको एक तरीके से नेगेटिव वर्ड लिया गया है, और होम सिकनेस से भी इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी शब्द आ सकता है, लेकिन नोस्टैल्जिया का मेनली मीनिंग जब हमारी पुरानी यादें हमें घेर लेती हैं। कभी कभी आप अपने बचपन की यादों में चले जाते होंगे और सोचते होंगे कि हमारा बचपन कितना अच्छा था, क्यों हम बड़े हो गए। तो इस तरह की जो यादें हमें घेर लेती हैं, तो उस उन चीजों को हम नोस्टैल्जिया बोलते हैं। ओमनीसेंट, ओमनी का मतलब भी पैन से रिलेटेड है, हर जगह। ओमनी जो भी आप एक दायरा सोच सकते हैं, हर जगह वो हो। ओमनीसेंट का मतलब होता है वन हु नो ऑल। अब ओमनी से रिलेटेड कई वर्ड हमारे पास है। ओमनी पोटेंट, पोटेंट योग्य, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या होता है, अयोग्य। तो ओमनीपोटेंट जो हर चीज के योग्य हो, ऐसा व्यक्ति हम किसको कह सकते हैं? ऐसा मैं तो मानता हूं ऐसा गॉड ही हो सकता है, ह्यूमन तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओमनी शब्द जिस वर्ड से पहले अगर लग जाता है, तो ओमनी का मतलब होता है कि हर एक पर्पज में, हर आप इसको याद रखने के लिए ओमनी गाड़ी से याद रख सकते हैं। ओमनी मारुति सुजुकी की एक ओमनी गाड़ी थी जिसको वैन भी बोल देते हैं, तो उसको एक तरीके से ओमनी नाम इसलिए रखा गया होगा कि उससे हम कई सारे पर्पज कर सकते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी है, उसमें काफी सारे लोग बिठा सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग भी कर सकते हैं, शायद इस वजह से उसका नाम ओमनी रखा गया हो। तो ओमनी का मतलब एक जो जिसका एक दायरा काफी बड़ा हो, ठीक है। अगला शब्द हमारे पास आता है इनकरिगेबल। करिगेबल यानी कि जिसको ठीक किया जा सके, इनकरिगेबल यानी कि जिसको ठीक ना किया जा सके, बहुत ही सिंपल वर्ड था। अगला शब्द हमारे पास आता है मेडन। आपने एक जो लोग स्पोर्ट्स देखते होंगे, आपने देखा अगर कोई खिलाड़ी अपनी पहली सेंचुरी स्कोर करता है तो उसको बोलते हैं ये इसकी मेडन सेंचुरी थी, ठीक है। कोई भी चीज हम पहली बार करने जा रहे हैं वो हमारी मेडन होती है। मेडन यहाँ पे जो अगर हम जनरली कहीं पे खाली मेडन का यूज करते हैं, मान ली मैं कहूँ कि मेडन सेंचुरी यानी कि पहली सेंचुरी, अगर मैं खाली बोलूँ खाली मेडन, तो हम उसका सेंस ले जाएंगे सीधा स्पीच से, ए स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। पैनसिया, पैन फिर से वही वर्ड आ गया, पैना लग गया आगे, यानी कि इसका दायरा काफी बड़ा होगा। तो यानी पैनसिया एक ऐसी दवाई को बोलते हैं जिसका जो कई सारी बीमारियों को एक साथ एक तरीके से उनको रिजोल्व कर सके, कई सारी बीमारियों की एक दवा, पैनसिया, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज या फिर मोस्ट ऑफ द डिसीज, ठीक है स्टूडेंट्स। रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। देखिए इंडिया तो काफी ग्रस्त है लाल फीताशाही से। मान लीजिए एक सिचुएशन से मैं आपको ये वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक ऑफिसर खड़ा है यहाँ पे, सॉरी एक ऑफिसर खड़ा है, ये इसका क्लर्क हो गए, ठीक है, दो क्लर्क बैठे हैं। एक व्यक्ति इनके पास आया
और बोला कि सर मेरे को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दीजिए। तो ये क्या बोलेगा, नहीं नहीं रुक, इनके हाथ में मान लीजिए पावर है और लाइसेंस रिन्यू करने की, नहीं नहीं हम अपने बॉस से जाके पूछते, फिर ये इनके पास जाएंगे, इनको बोलेंगे कि ठीक है सर कोई आदमी आया है उसको लाइसेंस रिन्यू कराना है। ये कहेगा नहीं नहीं रुको, मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूँ। यानी कि एक चेन चल जाती है, आपका काम नहीं होगा मेरा। तो ऐसी एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बेवजह की फॉर्मेलिटी, इसको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं, एक नेगेटिव वर्ड है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन ए डिले, सेक्रिलेज। मैंने आपको ये वर्ड पहले बताया, तो सेक्रिलेज का मतलब होता है किसी चीज की पवित्रता को भंग करना। मोस्टली ये वर्ड जो यूज होता है वो रिलीजियस मैटर्स से रिलेटेड ही यूज होता है। जोडियक, जोडियक साइन आप हमेशा पढ़ते रहते होंगे, अखबारों में आता रहता है अलग अलग राशियों के बारे में, एरीज, कैंसर, जो भी तुला वगैरह जो राशि होती है, तो जेडियो का मतलब होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, प्लैनेट से रिलेटेड, एक तरह से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती है। तो जोड़िया का मतलब है डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग एक एक तरीके से इसको इडियम भी कह सकते हैं या वन वर्ड भी कह सकते हैं। तो स्वान सॉन्ग होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है वो किसी चीज से रिटायरमेंट लेने वाला है, तो रिटायरमेंट लेने से पहले जो वो सबसे अपना आखिरी काम करके जाता है, और या जो भी सबसे आखिरी चीज करके जा रहा है, तो उस चीज को उसका वो स्वान सॉन्ग कहा जाता है। एक तरीके से कहां से उठाया गया है कि माना जाता है कि जब कोई स्वान, यानी कि एक तरह का एक बत्तख टाइप होती है, काफी लंबी गर्दन होती है उसकी, तो जब वो मरती है तो शायद उससे पहले वो गाना गाती है। तो वहां से इस चीज को उठाया गया है कि जो किसी आदमी का लास्ट लिटरेरी वर्क होता है, किसी आर्टिस्ट का, राइटर का, तो उसको हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। सिनेक्योर, सिनेक्योर ए जॉब विद हाई सैलरी बट ए लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी जॉब तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी है, ज्यादातर जो हमारी अपर लेवल जॉब्स है हमारी सरकार के अंदर, सभी सिनेक्योर ही कहूंगा मैं तो उनको, ए जॉब विद हाई सैलरी बट ए लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, एक 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 इससे रिलेटेड वर्ड और है, ऑनोरेरी। ऑनोरेरी एक ऐसी जॉब जिसपे आदमी काम करे लेकिन उसको कोई सैलरी ना मिले। वर्बेटिम, रिपीटिशन ऑफ ए स्पीच और ए राइटिंग वर्ड टू वर्ड। देखिए यहाँ पे एक चीज पे गलत लिखी है, वर्ड फॉर वर्ड होगा। देखो जब हम कोई ये चीज हम ज्यादातर अपनी वोकैबुलरी में यूज करते रहते हैं, वर्ड वर्ड टू वर्ड, कि इसने ये बात वर्ड टू वर्ड बोली, उसने बात वर्ड टू वर्ड लिख दी, लेकिन ये चीज गलत है। वर्ड फॉर वर्ड होता है हमेशा, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। तो वर्बेटिम क्या होता है कि अगर कोई एक बात को बार बार उसी चीज को रिपीट करके बोल रहा है, एक तरीके से सुनने में भी हमें अब घिसी पिटी लग रही है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, वर्बेटिम। यानी कि जितनी शब्दों की आवश्यकता है उससे अधिक शब्दों का वहां पे प्रयोग हो रहा है। इससे रिलेटेड वर्ड हमारे पास है वर्बोज। वर्बोज का मतलब भी यही होता है कि जितने शब्द की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है, उससे अधिक शब्द बोले जाना। इन एडिबल, एडिबल का मतलब मैंने आपको पीछे बताया, एडिबल का मतलब जिसको खाया ना जा सके। इन एडिबल का मतलब क्या होगा, जिसको एडिबल का मतलब जिसको खाया जा सके, इन एडिबल का मतलब क्या होगा कि जिसको खाया ना जा सके, और पोर्टेबल का मतलब इसको पिया जा सके। और पोर्टेबल ये भी मैंने आपको पीछे बताया, जिसको आसानी से कैरी किया जा सके। प्लेटोनिक, समथिंग स्पिरिचुअल। देखो जो हमारे ग्रीक माइथोलॉजी में कहूँ, प्लाटो काफी फेमस एक राइटर थे, ठीक है, तो एक तरीके से स्पिरिचुअल, वहां के एक तरह से विद्वान थे वे ग्रीस के, तो उस वर्ड से उठा के हमने प्लेटोनिक समथिंग स्पिरिचुअल, यानी गॉडली, एक ऐसी बात जो काफी गहरी बात हो, मतलब एक जो आदमी जो बात केवल एक बहुत ही ज्ञानी आदमी कह सकता है, उसको हम प्लेटोनिक बात बोल देते हैं। तो ये वर्ड वहां से आया है, समथिंग स्पिरिचुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रैक्टिकेबल, इनकैपेबल ऑफ बींग प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिकेबल यानी जिसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाया जा सके। इनकैपेबल ऑफ बींग प्रैक्टिस यानी कि जिसको जो केवल बात बोलने में है, प्रैक्टिकल बात नहीं है वो। इसके लिए हमारे पास दूसरा वर्ड भी है, फिजेबल। फिजेबल का मतलब भी यही होता है कि जो चीज प्रैक्टिकली संभव हो, इम्प्रैक्टिकेबल जो चीज प्रैक्टिकली संभव ना हो। क्रोनोलॉजी, इवेंट प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। मान लीजिए जैसे कि हम हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई ये राजा इस साल से इस साल तक रहा, फिर ये राजा इस साल से इस साल तक रहा, तो हमने क्या किया, उनका एक क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर बनाया। अगर हम किसी इवेंट का एक अकॉर्डिंग टू टाइम पीछे से आगे की ओर या आगे से पीछे की ओर बनाते हैं, उस ऑर्डर को हम
क्रोनोलॉजी बोलते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी काफी कॉमन वर्ड है। जब किसी आदमी के की लाइफ के बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। और दूसरा वर्ड होता है हमारे यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखता है तो उसको हम ऑटो बायोग्राफी बोलेंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी बोलेंगे। अगला शब्द हमारे पास आता है एक्वेटिक। एक्वेटिक एक ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हो, और पीछे मैंने आपको दूसरा वर्ड बताया था यहाँ पे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि वो जो पानी और थल पे दोनों जगह रह सकते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है एपिलोग। एक कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। देखिए दो वर्ड है, प्रोलोग और एपिलोग। प्रोलोग, प्रो का मतलब पहले, एपी का मतलब बाद में। जो किसी जो स्पीच से पहले कुछ बोला जाए तो वो प्रोलोग, जो स्पीच के बाद बोला जाए या किसी प्ले के बाद में बोला जाए वो एपिलोग। ठीक है स्टूडेंट्स। इनडिस्पेंसेबल, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विद और रिमूव, यानी जिसको हम एक तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। डिस्पेंस किसी चीज को खत्म करना, इग्नोर करना, या फिर उस चीज से बच के निकल जाना। उस चीज से हम बच के निकल ही नहीं सकते, उस चीज का हमें सामना करना ही पड़ेगा, यानी कि उस चीज को हम बोल रहे हैं इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, रिमूव्ड और डिस्पेंस विद। सुडोनियम, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम बाय एन ऑथर। देखिए मान लीजिए कोई ऑथर कोई कहानी लिखता है, उसमें उसने जो मुख्य कलाकार है उसका नाम मान लीजिए उसने राम रख दिया, ज्यादातर हम इसी वर्ड को यूज करते हैं ऐसे वगैरह में। तो राम क्या हुआ, एक सुडोनियम हुआ, एक इमेजिनरी नेम हुआ जो उसने अपनी एक इमेजिनरी स्टोरी के लिए एक पात्र दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुडोनियम। इनडेलिबल, इनडेलिबल एक ऐसी चीज जिसको डिलीट ना किया जा सके, डिलीट यानी कि इरेज ना किया जा सके। अन इरेजेबल यानी जैसे पत्थर पे हम लकीर खींच दे तो उसको मिटाया नहीं जा सकता फिर बाद में, तो वो क्या हुई, इनडेलिबल। मैमल, मैमल स्तनधारी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो अपने नवजात शिशु को खुद अपने से दूध पिलाते हैं, ह्यूमन खुद मैमल्स हैं। ठीक है, ऐसे इसके दूसरी एक तरीके से एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन है, जैसे रेप्टाइल होते हैं, मैमल होते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है स्टूडेंट्स। एनोनियम्स, एनोनियम जिसके बारे में हमें कुछ ना पता हो, एक अनजान व्यक्ति। ठीक है। सोपोरिफिक, ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, एक ऐसी मेडिसिन जिसको खा के हमें नींद आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोपोरिफिक। अगला शब्द हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिस चीज के थ्रू हम आर पार देख सकें। मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंट गिलास लगा है, हम इस साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। इसका अपोजिट वर्ड हमारे पास क्या होता होगा, ओपैक। ओपैक यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। सोलिलोक्यू, ए स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन, अपने आप से कही हुई बात। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति अकेले बैठे बैठे खुद से ही बातें करते रहते हैं, तो ये शब्द उन्हीं के लिए बना है। अगला शब्द हमारे पास आता है सुवेनियर, यानी कि एक निशानी। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, मान लीजिए आप लेह घूमने गए। ठीक है, लेह में आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दी कि भाई जो वहीं की एक स्पेशलिटी हो, एक बुद्धा की लगभग वहां पे फोटो बहुत अच्छी अच्छी मिलती है मूर्तियां, तो आप उसको घर लेकर आ गए एक निशानी के रूप में कि भाई मैं लेह गया था। ठीक है, तो एक ऐसी निशानी को क्या हम उस चीज को क्या बोलेंगे, एक सुवेनियर, एक निशानी वहां की। ठीक है स्टूडेंट्स, ए थिंग कैप्ट इन मेमोरी फॉर एन इवेंट। यूटोपिया, यूटोपिया देखिए, यूटोपिया हर एक आदमी यूटोपिया की तलाश में रहता है अपनी पूरी जिंदगी। एन इमेजिनरी लैंड वेयर परफेक्ट सोशल ऑर्डर, हर चीज परफेक्ट हो, हर जो जिस तरीके से आप चीजों को चाहते हैं आपको एक ऐसी जगह मिल जाए वहां पे हर चीज आपकी बिल्कुल आपके तरीके से है। ठीक है, तो ऐसी जगह को आप क्या कहोगे, ये मेरे लिए यूटोपिया है। ठीक है, अगला वर्ड आता है हमारे पास सोलर। पीछे मैंने आपको बताया था लूनर यानी कि मून, सोलर यानी कि सन। इररिपेयरेबल, रिपेयरेबल जिसको रिपेयर यानी कि ठीक करना, कोई चीज खराब हो गई हो। इररिपेयरेबल यानी कि ऐसी चीज जिसको रिपेयर करा ना जा सके। अगला शब्द हमारे पास आता है क्वारंटाइन, एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ए पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। मान लीजिए एक आपका दोस्त है, इसको एक ऐसी बीमारी हो गई जो फैल सकती है,
तो आपने क्या किया, इसको क्वारंटाइन कर दिया आप, इसने बिल्कुल इसको एक अलग रूम में रखा, इसको खाना भी बिल्कुल अलग प्रिकॉशंस लेके आप कुछ चीजें पहन के हाथों पे ग्लाउज वगैरह, मुंह पे मास्क वगैरह लगा के इसके पास जाते हैं ताकि वो बीमारी आपको ना लग सके। तो आप अपने दोस्त को क्या कर रहे हो, क्वारंटाइन कर रहे हो, इन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ए पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। ओमनीपोटेंट, ये वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया, तो जो कि ऑल पावरफुल हो, हर चीज करने के योग्य हो, यानी कि गॉड। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल इंटेलिजेंसी, ठीक है, यानी जिसको समझा जा सके, एक तरीके से हम उस चीज को समझ सकते हैं, इंटेलिजिबल है वो चीज। अन इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल यानी कि जिस चीज को समझा ना जा सके। इनएविटेबल, देखिए एविटेबल जो चीज, कोई एविटेबल का हम लेते हैं इवेंट से, इवेंट होता है एक घटना, ठीक है, इवेंट एक घटना। इनएविटेबल एक ऐसी घटना जिसको इवेंट होने से रोका ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके, वो चीज होकर ही रहेगी, जैसे कि सूरज का ईस्ट से उगना, पूरब से उगना, ये चीज क्या है, अनएविटेबल है, इस चीज को कोई नहीं रोक सकता, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और स्टॉप। रिगेलिया, ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वोन एट ऑफिशियल सेरेमनी। आपने देखे होंगे आर्मी ऑफिसर कहीं भी जाते हैं अपनी फुल ड्रेस वगैरह पहन के, पूरे मेडल वगैरह लगा के अपनी वर्दी को अच्छे से मेंटेन करके जाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिगेलिया, बिल्कुल एक सेरेमनी के लिए प्रॉपर ड्रेसअप। रेफरेंडम, रेफरेंडम एक काफी कॉमन वर्ड है न्यूज़पेपर्स का, अभी आपने पीछे सुना होगा स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ था, स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलग होना चाहता था, ठीक है। रेफरेंडम एक तरीके से लोकमत होता है, कि लोग क्या चाहते हैं, तो स्कॉटलैंड वाले लोगों ने क्या काम किया कि भाई हमारे यहाँ पे वोटिंग कराया जाए कि कितने लोग ये चाहते हैं कि हम इंग्लैंड का पार्ट रहे। देखिए यूके, यूके चार देशों को मिला के बनता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, साउदर्न नहीं आता इसमें, पूरा आयरलैंड नहीं आता, खाली नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहां पे वोटिंग हुई थी कि क्या स्कॉटलैंड यूके का पार्ट रहना चाहता है, वैसे तो ये जो यूके के पक्ष में ही वोटिंग हुई थी, इसीलिए अभी तक स्कॉटलैंड यूके का ही पार्ट है। तो ऐसा एक लोकमत कराना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंडम। पोर्टेबल, मैंने आपको चीज पहले बता दी है पोर्टेबल के साथ, कि जिस चीज को इजिली कैरी किया जा सके। अगला शब्द आता है हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट, ए मैटर रिटन बाय हैंड। देखिए पहले, अब तो क्या होता है कि कोई किताब होती है, कुछ भी प्रिंटिंग मटेरियल होता है, प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, अखबार हो चाहे कुछ भी, पहले मशीनें नहीं थी, हर चीज हाथ से लिखी जाती थी, तो उन चीजों को हम क्या कह सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो चीज हाथ से लिखी गई हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इनफेलेबल, वन हु इज फ्री फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो एक तरीके से फ्री है, उसके ऊपर कोई ना तो किसी गलती का इल्जाम है ना किसी फेलियर का इल्जाम है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, इनफेलेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लेबिसाइट, ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। देखिए मैंने आपको पीछे बताया रेफरेंडम, रेफरेंडम किया गया और वहां पे जो एक निष्कर्ष निकल का है, पब्लिक ने क्या वोट किया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेबिसाइट, ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। पिडेंटिक, ए स्टाइल मेंट टू डिस्प्ले वंस नॉलेज। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी नॉलेज को ओवर शो करते हैं, ठीक है, तो वैसे पीडेंट एक ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो काफी नॉलेज वाला बंदा हो, जिसको काफी नॉलेज हो, उसे ऐसे बंदे को पीडेंट बोलेंगे। लेकिन पीडेंटिक एक ऐसा, पीडेंटिक को एक तरीके से हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉलेज का, नॉलेज को बांटना एक अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के ऊपर घमंड करना ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो पीडेंटिक एक ऐसी चीज जो अपनी नॉलेज का शो ऑफ करे, ठीक है स्टूडेंट्स। पीडेंट एक ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्ञानी व्यक्ति हो। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मैंने आपको बता दिया, ओमनी यानी कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, OMNI, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। पैरेबल, ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल। ये काफी यूज्ड वर्ड है, एसएससी तो इसको लगभग हर एक दूसरे या तीसरे एग्जाम में पूछती रहती है। पैरेबल, एक शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल, ज्यादातर हम जब छठी और सातवीं क्लास में थे तो मोरल वैल्यू की किताब होती थी, एक नैतिक शिक्षा की, तो उसके अंदर ज्यादा छोटी छोटी काल्पनिक स्टोरीज होती थी, जहां पे हमें एक
एक तरीके से लेसन मिलता था। जैसे कि आपने सुनी होगी लक्कड़ आरे वाली स्टोरी, वो शाखा पे बैठ के एक लक्कड़ लक्कड़ काट रहा था और उसी शाखा को काट रहा था जिसको पे वो बैठा हुआ था, ठीक है। तो वहां से हमें एक मोरल मिलता है, खरगोश की और कछुए की रेस की स्टोरी। तो ये सभी हमारी पैरेबल्स हैं। इससे रिलेटेड दूसरा वर्ड भी हमारे पास फेबल, फेबल भी पैरेबल को ही बोलते हैं। तो दोनों वर्ड को याद रखिएगा। इनफ्लेमेबल, लायबल टू कैच फायर इजिली, ठीक है। देखिए यहां पे एक चीज कंफ्यूजिंग है, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब जो चीज फ्लेम पकड़ सके, आग पकड़ सके, इनफ्लेमेबल। आप यहां पे इसका मतलब उल्टा ना लगा लीजिएगा, क्योंकि इन वर्ड पहले आ गया। इनफ्लेमेबल का मतलब भी वही होता है कि जो चीज आग पकड़े। तो फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों एक ही चीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ऐसी चीज को बोले कि जो आग ना पकड़ती हो, तो यहां पे हमें अन लगाना पड़ेगा, अन इन फ्लेमेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लेगेरियज्म, प्लेगेरियज्म होता है कि किसी के लिटरेरी वर्क का, किसी के जो मान लीजिए किसी ने कोई किताब लिखी, मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी और दूसरा व्यक्ति आके इसमें से कुछ मटेरियल कॉपी करके उसको अपने नाम पे छाप रहा है, ठीक है। मेरा एक लिटरेचर वर्क कॉपी कर रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्लेगेरियज्म, और उस व्यक्ति को बोलेंगे प्लेगेरियस्ट। लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वन सोन। इंटरेगनम, ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, TWO2। टू रिजाइम, रिजाइम यानी कि एक शासनकाल। मान लीजिए अभी जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, तो उनका शासनकाल है 2014 से 2019, आगे 2019 से 2024 तक दूसरा शासनकाल होगा। दोनों शासनकाल के बीच का जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेग्नम। अगला शब्द हमारे पास आता है अल्मेनिक, एन एनुअल एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स। एक वार्षिक ऐसा कैलेंडर जिसमें स्टार्स के बारे में लिखा हो, उनकी पोजीशंस के बारे में लिखा हो, उसके लिए उसको हम बोलेंगे अल्मेनिक। ऑटोबायोग्राफी, इस वर्ड को मैंने आपको पहले बता दिया। बायोग्राफी यानी कि किसी के जीवन के बारे में कोई किताब लिखी जाए उसको बायोग्राफी कहेंगे, और अगर अपने जीवन के बारे में कोई किताब लिखे तो उसको ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे कहेंगे। इसकी स्पेलिंग होगी AUTOBIOGRAPHY, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रीगेरियस, देखिए ये जो ग्रेग एक रूट वर्ड है, ये कहीं भी आ जाए, ग्रेग का मतलब होता है समूह, ठीक है। ज्यादातर जो जंगली जानवर है, शेर हो गया, हिरन हो गया, भैंसे हो गई, तो वे ज्यादातर क्या होता है कि झुंड में चलते हैं, अपने ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। जैसे कि भेड़ का, भेड़ हो गया, भेड़ का पैक ऑफ वुल्फ्स, ठीक है। तो वो उनका झुंड हो गया। तो क्या है, ज्यादातर जंगली जानवर ग्रीगेरियस होते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो ग्रैग का मतलब होता है ग्रुप, जो तो ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। तो एनिमल्स विच लिव इन ए फ्लोक यानी कि झुंड, यूज फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ये हम ह्यूमन बींग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ह्यूमन बींग कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता, हमेशा उसको अपने चारों तरफ दूसरे भी ह्यूमन चाहिए। तो जो ह्यूमन बींग है वो भी एक ग्रिगेरियस एनिमल है। फौना, फौना का मैं मतलब आपको पहले बता चुका हूँ। फ्लोरा का मतलब वहां की वेजिटेशन और फौना का मतलब आगे एनिमल्स। फेबल, ए स्टोरी रिलेटेड टू बर्ड्स एनिमल विद ए मोरल एट द एंड। मैंने इसको पैरेबल के साथ बताया आपको, एक ऐसी छोटी स्टोरी जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स को मेंशन किया जाए, जैसे कि हमारी कछुए की और खरगोश की रेस की स्टोरी थी जिसमें एक मोरल छुपा हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फेबल। ये एसएससी का काफी फेवरेट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। एडिबल, एडिबल यानी कि फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सके। ये वर्ड मुझे लगता है रिपीट हो गया। एफीमेरल, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ए डे। एफीमेरल होता है कि बहुत ही ट्रांजिएंट, ठीक है। ट्रांजिएंट यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत ही थोड़े समय के लिए हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफिमेरल इसका एक सिनोनियम है, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा एक तरीके से परमानेंट, परमानेंट, और ये एक तरीके से टेम्पोरेरी, 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 ट्रांजिएंट, एफिमेरल, ये तीनों के तीनों एक तरीके से सिनोनियम हो गए। फैसिमिले, फैसिमिले मैंने आपको पीछे बताया, मैन्यू स्क्रिप्ट,
मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई चीज, कोई भी किताब जो पहले ऋषि मुनि लिखा करते थे। ऐसे मिले क्या होता है, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग। मान लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट की मैं एक और एग्जैक्ट कॉपी अपने आप एक लिख के हैंड राइटिंग से एक और एज इट इज कॉपी बना दूं, तो उसको हम क्या, मैं क्या बोलूंगा, फैसिमिले, FACSIMILE। तो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मिस स्पेलिंग में पूछ लेता है SSC कभी कभी, और दूसरे एग्जाम्स में भी ये पूछी जाती है काफी। अगला शब्द हमारे पास आता है एनोमली, डिपार्चर फ्रॉम ए कॉमन रूल। मान लीजिए कोई भी जो एक ऐसा रूल जो कॉमन है सभी के लिए, वो है एक तरीके से बराबर है, लेकिन एक आदमी उससे हटके निकल के कुछ कार्य करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनोमली। अगला शब्द हमारे पास आता है बैली ग्रैंट। देखिए बैली वर्ड जिस शब्द से पहले आ जाए तो उसका मतलब हमेशा लड़ाई वगैरह से ही होता है, वार वगैरह से होता है, ठीक है, वार क्वेरल स्टूडेंट्स झगड़ा। तो बैली ग्रैंट एक ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो हमेशा लड़ना ही झगड़ना चाहता हो, ठीक है, काफी झगड़ालू व्यक्ति। इसके लिए हमारे पास एक शब्द और है, कैन टैंकरस। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया टैंक, इससे इस चीज को आप याद रख सकते हैं। टैंक का मतलब जो युद्ध में यूज होने वाला टैंक एक तरीके से, तो लड़ने वाला व्यक्ति, कैन टैंकरस, बैली ग्रैंट, तो दोनों एक तरीके से क्वेरलसम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीनों के तीनों एक तरीके से सिनोनियम हो गए। अगला शब्द हमारे पास आता है बायोप्सी, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। एक होती है हमारी ऑटोप्सी, ऑटोप्सी और बायोप्सी में काफी अंतर होता है, दोनों के दोनों एक तरीके से टेस्ट ही है, हमारे मेडिकल टेस्ट है। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को ऐसा ना हो, कैंसर हो जाता है आपके, मान लीजिए हाथ में कुछ ऐसे लक्षण पाए गए, तो आपके वहां से एक लिविंग टिश्यू को लेकर उसको एग्जामिन किया जाएगा कि आपको कैंसर है या नहीं, उस टिश्यू पे टेस्ट किया जाएंगे, उसको हम बोलेंगे बायोप्सी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसके बाद उसके शव से हम पता लगा रहे हैं कि उसको क्या बीमारी थी, कुछ भी था, उसके ऊपर कोई टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑटोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी और ऑटोप्सी दोनों एक तरीके से टेस्ट है, लेकिन बायोप्सी जिंदा आदमी के लिविंग टिश्यू के ऊपर और ऑटोप्सी डेड टिश्यू के ऊपर। अगला शब्द हमारे पास आता है एलिगरी, ए स्टोरी डेट एक्सप्रेसिस आइडिया थ्रू सिंबल्स। एक ऐसी स्टोरी जिसमें सिंबल्स एक तरीके से निशानियां दे के कोई हमें कोई पाठ पढ़ाया जाता है, कोई मोरल पढ़ाया जाता है, तो ऐसी स्टोरी को हम बोलते हैं एलिगरी, ठीक है। इसके साथ साथ आप फेबल और पैरेबल भी याद रखिएगा, एक तरीके से तीनों वर्ड ही मिलते जुलते हैं। ड्रोन, ड्रो तो आप एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, अगर उसका बारिश आ जाती है बोल देते हैं मैच ड्रॉ हो गया, या फिर फुटबॉल मैच में स्कोर बराबर बराबर हो गया, दो दो से दोनों टीम रह गई, तो उस मैच को ड्रॉ बोल देते हैं, यानी कि एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसका कोई नतीजा ना निकले, ए गेम डेट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री और इन डिफीट। अगला शब्द हमारे पास आता है कैनल, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। जो कुत्ते के लिए हम, मान लीजिए किसी ने घर में डॉग पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है, उसके लिए वो छोटी सी एक झोपड़ी बना दे, कई लोगों को शौक होता है इस तरीके की चीजों का, तो उसके अंदर कुत्ता रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुत्ते घर को कैनल। मिंट, मिंट जिसको हम हिंदी में इसके लिए वर्ड है टकसाल, टकसाल जहां पे सिक्के मिंट होते हैं, सिक्के बनते हैं, ठीक है, तो ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में इतना ही, हमने इसमें डिस्कस किए वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो जनरल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जल्दी हम पार्ट 3 के साथ आएंगे। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल की किसी भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो हम आपके लिए मटेरियल बना रहे हैं काफी क्वालिटी मटेरियल है, काफी किताबों से हमने चीजें उठाई हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी हमने काफी स्टडी की है, तो ऐसे ऐसे मटेरियल आपके लिए हम एक कॉम्पैक्ट रूप में लेके आ रहे हैं जो आपको काफी इजीली मिल जाए और आप इजीली उस चीज को समझ लें, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके और आपको कम से कम एफर्ट करना पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि किसी अलग टॉपिक पे लेक्चर बनाया जाए जो चीज आपके समझ में नहीं आती है, आप उस चीज को भी डाल सकते हैं, ठीक है, उस पर भी हम लेक्चर जल्दी से जल्दी बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।